हेलो स्टूडेंट्स, देख लिए आप लोग सवाल? ये लास्ट टाइम आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हलवा किन हलवा है, इसका बात क्या है भाई कि आपको पूछा गया है कि इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी कहां की हो ना टुवर्ड्स एजियोमेट्रिक सॉल्यूशन। एजियोमेट्रिक सॉल्यूशन में रिएक्ट होगा और इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। ऑप्शन में नहीं लिखा है, ठीक है, आपको ऑप्शन में स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे दूंगा। तो ये चारों जो गिवेन है आपको, जो चारों गिवेन है, इनमें से कौन बहुत जल्द रिएक्ट करेगा, कौन कम रिएक्ट करेगा, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला मैं इसको उठाता हूं, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात याद होनी चाहिए कि ये वाला रिएक्शन क्या है ना, ये SN1 रिएक्शन है। और SN1 रिएक्शन में फॉलो किसको करते हैं, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी को फॉलो करते हैं। जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है वहां पे रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो देखिए यहां पे आप लोग ढूंढिए, इनमें से देखिए आप लोग ढूंढिए कार्बोकैटायन कहां पे स्टेबल है। देखिए अगर मैं पहले बात इसको बना देता हूं, ठीक है ना, अभी अगर इससे मैं सीएल को हटा देता हूं तो ये जो ए है ये क्या बनाएगा ना, ये से बन जाएगा। अरे भाई हाँ, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये क्या है ना, आरोमेटिक कंपाउंड है। बात समझे आप लोग? अच्छा, अभी आप लोग बी के पास आओ। बी में क्या होगा ना, अगर मैं सीएल को हटा रहा हूं तो ये प्लस बनेगा, डबल बॉन्ड है और ये क्या है ना, ओ एम ई है। फर्दर अगर आप लोग रेजोनेंस लोगे, रेजोनेंस में ये क्या बन जाएगा, देखिए रेजोनेंस में बनेगा ऐसे, इस वाली कंपाउंड है ना, ये ओ एम ई है ना, ये तो ये वाला बॉन्ड मान लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे क्या है ना, प्लस आ। अभी देखो ये जो प्लस है, देखो ये बैलेंस किस होगा ना, ये जो प्लस है, देखो रेजोनेंस किस बैलेंस हो रहा है, और देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। बात समझिए, ये बस रेजोनेंस की वजह से ही बैलेंस हो रहा है, जबकि ये किससे बैलेंस हो रहा है, ये इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है और लोन पे इलेक्ट्रॉन भी है। मतलब इन दोनों में से स्टेबल कौन जाता है, बी ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे दो प्रोसेस, यहाँ पे दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं स्टेबल होने का, लेकिन यहाँ पे भाई बस एक ही रास्ता है, ये रेजोनेंस में बैलेंस होगा। समझ में आया ना बात है? तो अभी आप लोग बी और ए में से आप लोग क्या बोलोगे कि बी का कार्बोकैटायन, बी में जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा वो क्या है, ज्यादा स्टेबल। अभी आप सी और डी के पास आइए। देखिए सी से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं सीएल को हटा रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा ना, यहां पे प्लस बन जाएगा, तो ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। थोड़ा ब्रेक लगाइए, इसके पास आइए। अगर यहां से भी मैंने सीएल को हटा दूंगा तो यहां पर प्लस आ जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान दो, ये 2 डिग्री है, जबकि ये भी 2 डिग्री है, लेकिन इसके पास जो NO2 कनेक्ट है ये क्या है ना, माइनस साइन पे। और आपको कार्बोकैटायन के ऊपर थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए कि कार्बोकैटायन प्लस साइन की वजह से स्टेबल होता है और माइनस साइन की वजह से क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो NO2 ग्रुप अटैच हुआ है क्या, माइनस साइन ग्रुप, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन को खींच के ले रहा है तो इसको ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, बी हुआ, उससे कम स्टेबल कौन है ना, ए, क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी है और लोन पे इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। इसमें और कौन, उससे कम स्टेबल और कम स्टेबल कौन हुआ ना, ई हुआ, इसमें बस रेजोनेंस होगा। जब इसके पास हो गए, ये 2 डिग्री है, और इससे कम स्टेबल कौन है ना, डी है, तो ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बी। इसका स्टेबिलाइज होने का दो तरीके, दो रास्ते, दोनों रास्ते में स्टेबिलाईज होगा, उससे कम कौन है, ए, उससे कम कौन है, सी, उससे कम कौन है। यहाँ पे बस क्या हुआ ना, रेजोनेंस हुआ, मैंने आपको लिखा है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे सेल घटा देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेल घटा दिया तो यहाँ पे प्लस आ गए, और भाई कुछ बात है, एरोमेटिक बन गया, स्टेबल हो गया। अगर यहाँ पे आप लोग सेल घटा रहे हो, प्लस ला रहे हो, फर्दर ये रीअरेंज हो जाएगा, इस फर्दर रेजोनेंस की वजह से ऐसे आ जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये इससे बॉन्ड ओ एम ई आ गया, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टिंग प्रेशर है यहाँ पे, यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ पे रेजोनेंस के वजह से स्टेबिलाइज हो रहा है और लोन पे प्रेजेंट, इसलिए बी ज्यादा रिएक्टिव है, बी ज्यादा स्टेबल है, ऐसे। अब इन दोनों से आपको पता है माइनस एक ग्रुप अटैच हुआ है, इसका रिएक्टिविटी क्या कम हो जाएगा, तो ऑर्डर क्या रहा, बी, उससे कम कौन ए, उससे कम सी, उससे कम डी। समझे, आप प्रैक्टिस करते रहिए, फिर हम लोग और एक नए वीडियो के साथ आएंगे, ठीक, फिर मिलेंगे, चलते चलते।